हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू टॉपर बेंस आज चैप्टर ट्वेल्व फ्रॉम अ रेलवे कैरेज का हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीट करेंगे ये एस विद एस्टर का बुक से ये चैप्टर ट्वेल्व है पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करूँगा अगर आप मिस कर गए तो कोई बात नहीं आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा अपना फीडबैक दीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर जो भी चाहिए वो आप जरूर कमेंट करके बताइए मैं उसको कंप्लीट करवाऊंगा पहला क्वेश्चन है वट इज फास्टर देन फेरीज और विचेज फेरीज और विचेज से भी फास्टर क्या है द रेलवे कैरेज इज फास्टर देन फेरीज और विचेज इज वट आर थिंग्स दैट द स्पीकर सीज फ्रॉम द रेलवे कैरेज द पोएट सीज मैनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग फास्ट थ्रू हीज विंडो लाइक ब्रिजेज हाउसेज मिल्स रेलवे स्टेशंस हॉर्सेज कैटल्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो है पोएट रेलवे कैरेज में बैठ के खिड़की से देखता है क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट हैव हॉर्सेस वॉट हैव द दॉर्सेज एंड कैटल बीन कंपेयर टू हार्सेज और कैटल को किस चीज़ से कंपेयर किया गया है एक्सप्लेन द कंपेरिजन द हॉर्से एंड कैटल हैव बीन कम्पेयरड टू ट्रुप्स इन द फील्ड्स जिस तरह सैनिक फील्ड्स में बिखरे हुए रहते हैं सैनिक अपना काम करते हैं फील्ड पर उस तरह से ही हॉर्सेज और कैटल्स जो है वो फील्ड पर घूम रहे हैं फील्ड पर अपना चर रहे हैं अपना घास खा रहे हैं एंड ऑल ऑफ देम आर क्रॉस्ड बाई द फास्ट मूविंग ट्रेन विथ ग्रेट एनर्जी तो ये सारी चीज़ों को क्रॉस करता है फास्ट मूविंग जो ट्रेन है विथ ग्रेट एनर्जी एनर्जी के साथ ट्रेन वहाँ से क्रॉस करता है और क्रॉस करते हुए ये सारे सीन्स जो है वो दिखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वट डज़ द स्पीकर मीन बाई सिमिली फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन फ्लाई एज थिंक एज ड्राइविंग रेन का मतलब क्या होता है ऑल द सीन्स ऑफ हिल एंड प्लेन वेयर बींग क्रॉस्ड बाई ट्रेन एज क्विक एज द रेन ड्रॉप्स फॉलोज अनदर ड्रॉप इन देवी रेन क्या हुआ इसका मतलब ऑल द ऑफ हिल एंड प्लेन जितने भी सीन scene, सीनरी दिख रहा था हिल्स का प्लेन का वो जो फील्ड्स का वो ट्रेन के द्वारा क्रॉस किया जा रहा है इतना फास्ट की क्रॉस किया जा रहा है कि वो रेन का जो बारिश का जो बूंदें होती हैं जो फास्ट फास्ट बूंद पड़ती है ठीक है ठीक उसी की तरह रेल जो है ट्रेन जो रेलवे जो है वो वहाँ से क्रॉस कर रही है और सारे जो ऑब्जेक्ट्स है बाहर जो दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स है हिल्स है प्लेन्स हैं कैटल्स है वो सारी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से गुजरते हुए दिख रहा है ठीक उसी तरह से जिस तरह से बारिश में रेन का ड्रॉप्स जो है बहुत तेज़ी से नीचे की ओर गिरता है है ना द रेन ड्रॉप्स उसी तरह से एज द रेन ड्रॉप्स फॉलोज अनदर ड्रॉप इन अ हेवी रेन क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट इज द चाइल्ड डूइंग वहाँ पे चाइल्ड क्या कर रहा था द चाइल्ड क्लाइम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स टू गैदर ब्लैक वो जो चाइल्ड था वो रेंग रहा था वो स्ट्रगल कर रहा था ब्लैक को कलेक्ट करने के लिए गैदर करने के लिए ठीक है जी ए टी एच ई आर है गैदर ब्लैक बेरीज मीन्स ही वॉज क्लाइंबिंग एंड मूविंग विथ डिफिकल्टीज टू कलेक्ट ब्लैक बेरीज वो क्लाइंब भी कर रहा था वो डिफ़िकल्टी से आगे बढ़ रहा था ब्लैकबेरीज़ को कलेक्ट करने के लिए अब सी वन का क्वेश्चन नंबर वन है क्वेश्चन नंबर वन पढ़ने से पहले आप लोग ये एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे पेंटेड स्टेशन विसल बाई इसके ऊपर पहला क्वेश्चन है वाई आर द स्टेशंस डिस्क्राइब्ड एज पेंटेड पेंटेड क्यों डिस्क्राइब किया गया, गया स्टेशन को क्योंकि जब पोएट उसमें बैठा हुआ था कि रेलवे कैरेज में और रेल ट्रेन जो है बहुत फास्ट निकल रही थी तो वहाँ जितने भी बिल्डिंग्स स्टेशन्स के बिल्डिंग्स हैं वो जो कलर किए हुए रहते हैं वो बिल्डिंग्स जो सिर्फ कलरफुल दिख रहा था पता ही नहीं चल रहा था क्या है एक्चुअली ठीक है सिर्फ कलर्स दिख रहे थे जब फास्ट ट्रेन मूव कर रहा था तब द स्टेश आर डिस्क्राइबड एज पेंटेड बिकॉज दे आर कलरफुल बिल्डिंग्स ऑफ स्टेशंस दैट अपियर एंड डिसअपियर इन अ क्लैंड इन ए ग्लैंस मतलब पलक झपकते ही एक नज़र पलक झपकते ही जो कलरफुल बिल्डिंग्स था वो सामने आ रहा था और गायब हो रहा था अपीयर हो रहा था डिसअपेर हो रहा था क्योंकि ट्रेन जो है बहुत फास्ट मूव कर रहा था जब आप ट्रेन में बैठे होंगे तो आप देखे होंगे खिड़की से बाहर जब कोई बिल्डिंग आता है तुरंत आता है तुरंत गायब होता है अपीयर होता है डिसअपियर होता है तो वो सिर्फ कलरफुल दिखता है पता ही नहीं चलता है कि आखिर है क्या नंबर बी क्वेश्चन एट वट स्पीड ड ट्रेन मूव पास दिज इस्टेशंस कितने स्पीड से ये जो ट्रेन है ये सारे स्टेशन को क्रॉस करता है द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ वेरी फास्ट एज दिज इस्टेशंस आर पासिंग बाई इन अ विंक ऑफ आई स्पीड जो था ट्रेन का वो काफ़ी फास्ट था काफ़ी फास्ट मतलब इतना फास्ट कि पलग झपकते ही विंक ऑफ आई मतलब पलग झपकते ही सारे स्टेशनस क्रॉस हो जा रहे थे विंक ऑफ आई मतलब पलग झपकते ही नंबर टू का एक्सट्रैक्ट क्या है हेयर इज़ अ ट्रैम्प हु हुस एंड गेजेस यहाँ पे एक ट्रैम्प है मतलब एक जिसका घर द्वार नहीं होता है वैसे बच्चे वैसे लोग उनको ट्रैम्प कहा जाता है जो भटकते रहते हैं इधर से उधर तो वैसा ट्रैम्प जो है एक इंसान जो है वो खड़ा होकर के देख रहा था केयरफुली ट्रेन की तरफ हु इज़ अ ट्रैम्प वहाँ पर ट्रैम्प कौन है होमलेस पर्सन इज़ कॉल्ड एज़ ट्रैम्प जिसका घर नहीं होता है जिसका होम नहीं होता है जिसका हाउस नहीं होता है उन वैसे लोगों को ट्रैम्प बोला जाता है जो कहीं भी जाते हैं पेड़ के नीचे सो जाते हैं कहीं जगह ढूंढते हैं ना नंबर बी वट डज़ ही गेज एट वाई एंड वाई वो गेज़ किस चीज़ को कर रहा है किस चीज़ पे अपनी नज़रें गराई हुई है और किस चीज़ को वो देख रहा है ध्यान से गेज मतलब ध्यान से देखना नज़र एकदम कड़ा के अच्छे से ध्यान से देखना ही वॉज गेजिंग एट द ट्रेन विथ अमेजमेंट वो ट्रेन की तरफ देख रहा है बहुत ही उत्सुकता से ठीक है अंदर उसका अमेजमेंट भरा हुआ है वो बहुत ध्यान से देख रहा है जैसे कभी देखा ना हो थिंक एंड आंसर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थिंक एंड आंसर में आप कुछ अपने से भी ऐड कर सकते हैं मेरा वाला भी कॉपी कर सकते हैं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप खुद से ऐड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा हाउ इज़ द स्पीकर एबल टू कन्वे दैट द ट्रेन इज मूविंग एट ग्रेटर ग्रेट स्पीड स्पीकर जो है कैसे कन्वे करता है कैसे बता सकता है कि ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है द स्पीकर वॉज द स्पीकर वॉज सिटिंग इन द रेलवे कैरेज एंड फ्रॉम द विंडो ही वॉज सीइंग एवरीथिंग यहाँ पे एवरी थिंग होगा ठीक है एवरी थिंग एवरी थिंग वॉज पासिंग ये आप ठीक कर लेंगे करेक्शन कर लेंगे एवरी थिंग होगा यहाँ पे वॉज सीइंग एवरी थिंग वॉज़ पासिंग विथ अ वेरी हाई स्पीड इन अ विंक ऑफ आई पलक झपकते ही विंक ऑफ आई मतलब क्या है पलक झपकते पलक झपकते ही सारे चीज़ जो है खिड़की से उसको दिख रहा था सब पास होते हुए फास्ट फास्ट ही वॉज सीइंग द स्टेश कलरफुल बिल्डिंग दैट अपियर्स एंड डिसअपियर्स इन अ ग्लैंस वो स्टेशन को क्या देख पा रहा था स्टेशन को देख रहा था कि कुछ कलरफुल बिल्डिंग है जो अपेयर हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है एक ग्लैंस में पलक झपकते इसका ग्लैंस का मतलब भी होता है एक नज़र एक नज़र में ही उसको ऐसा लग रहा था तो इसी से पता चलता है कि ट्रेन बहुत फास्ट था अकॉर्डिंग टू दिस ही इज़ एबल टू कन्वे दैट द ट्रेन इज़ मूविंग एट ग्रेट स्पीड इसी के वजह से वो ऐसा बता सक रहा है कि ट्रेन जो है काफ़ी फास्ट था क्योंकि सब बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे वहाँ से खिड़की से देखने पे। नंबर टू है डू यू थिंक द स्पीकर इंजॉयड द जर्नी क्या आपको लगता है कि स्पीकर जर्नी को एंजॉय कर रहा था गिव रीजन्स फॉर योर आंसर यस द स्पीकर यहाँ पे ही मैंने यस yes किया है आपको अगर लगता है कि नो no है तो आप नो no करेंगे और रीज़न भी देंगे ठीक है जैसा आपको लगता है वैसा लिखना मुझे ऐसा लगता है कि यस yes, वो स्पीकर इन्जॉय कर रहा है यस द स्पीकर इन्जॉयज़ वॉचिंग द नेचुरल सीन फ्रॉम द रेलवे कैरेज वो बाहर का जो नेचुरल दृश्य था खेत खलिहान कैटल्स हॉर्सेज काउस सब कुछ देख रहा था और इन्जॉय कर रहा था ही शेयर्स ही शेयर्स हीज हैप्पीनेस विथ अस एंड गिव्स डिटेल अबाउट द सीनरी सीन फ्रॉम इज कैरेज वो सारे सीनरी को देखता है अपना जो खुशी अपना जो हैप्पीनेस है वो हम सब के साथ शेयर करता है जो कुछ भी वो कैरेज से देखता है ही इन्जॉयड एवरी थिंग विच पासड बाई हायर स्पीड फ्रॉम द विंडोज़ वो सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है जो कुछ भी उसके विंडो से बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ उसको दिखता है तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कीजिए और प्ले में जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको सारे चैप्टर्स और एक्सप्लेनेशंस मिल पाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।